Hello students welcome back in hort 211 production technology for vegetable and spices lecture 18 french bean cultivation in this lecture i will cover all culture practices related to french bean cultivation like soil climate seed rate sowing time manure and fertilizer weeding irrigation insect pest diseases harvesting yield etc let's start this topic नेम अन्य नाम जो फ्रेंच बीन है इसे हिंदी में राजमा भी कहते हैं कुछ क्षेत्रों में इसे अवराई भी कह देते हैं और बेंगलोर बीन भी कह देते हैं और फराश बीन भी कह देते हैं पर जो इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप के कारण किडनी बीन भी कह देते हैं कोट बीन भी कह देते हैं और स्नैप बीन भी बोल देते हैं और नेवी बीन भी बोल दिया जाता है बोटनिकल नेम इसका जो वानस्पतिक नाम है फैस्योलस वेलगेरिस है फैमिली क्रोमोसोम नंबर जो इसमें गुणसूत्र संख्या होती है वो ट्वेंटी टू या बाईस होती है और मैक्सिको कह लो या साउथ अमेरिका होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंच बीन वराइटीज आर डे न्यूट्रल जो फ्रेंच बीन की मोस्टली वराइटीज होती हैं वो डे न्यूट्रल होती हैं जिन पे दिन की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता परंतु जो सेमी पोल टाइप होती हैं वो शॉर्ट डे टाइप की होती हैं लघु दीप्ति कालिक होती हैं ठीक है इसमें जो किस्में होती हैं दो टाइप की होती हैं वैसे तो जनरली दो टाइप की होती हैं बुश टाइप और पोल टाइप जो इनके मीडिएटर होती हैं जब बीच की रह जाती हैं वो सेमी पोल टाइप कहलाती हैं कुछ किस्में हैं जो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती तो उन्हें सेमी पोल टाइप कहा जाता है हाइली टोलरेंट टू सोयल सेलिनिटी और ये सोयल सेलिनिटी कह लो से जब बहुत ही ज़्यादा टोलरेंट होती है सेलाइन मिट्टी में कल्टिवेट की जा सकती है टॉक्सिक सबस्टांस प्रजेंट इन फ्रेंच बीन इज हिमाग्लूटीन जो फ्रेंच बीन है जो राजमा है इसमें एक विशेला या विषक्त पदार्थ पाया जाता है जिसे हीमाग्लूटीन कहते हैं अबाउट नाइंटी फोर परसेंट पार्ट ऑफ द पोड इज एडिबल जो फली है उसका जो चौरानवे प्रतिशत भाग होता है वो खाने योग्य होता है पोल टाइप वराइटीज रिक्वायर्ड स्पोर्ट और स्टेकिंग जो पोल टाइप किस्में होती हैं उनको चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है मतलब उनको सहारा दिया जाता है क्रैकिंग ऑफ कोटिलेडॉन इज मोर वैन सीड मॉइस्चर बिलो ट्वेल्व परसेंट क्रैकिंग ऑफ कोटिलेडन एक इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ठीक है जो जब सीड के अंदर मॉइस्चर कम होता है जब 12 परसेंट से मॉइस्चर कम होता है जब उसको बुआई की जाती है मॉइस्चर कम मॉइस्चर वाले बीज की ज्यादा मॉइस्चर वाली सोयल के अंदर तो जो सीड का कोट होता है वो क्रैक हो जाता है मतलब कोटी लेडोन सॉरी कोटी लेडोन होता है बीज का दल होते हैं जो वो क्रैक हो जाते हैं ठीक है तो ये जो लगभग लगभग बारह मॉइस्चर होना चाहिए बीज की बुआई के समय वाटर एक्सेस एंड वाटर स्ट्रेस इन बोथ कंडीशन आर हार्मफुल टू फ्रेंच बीन। वाटर एक्सेस अगर पानी ज्यादा रहता है जब पानी कम होता है दोनों कंडीशंस ही जो इसके लिए फ्रेंच uh, बीन है इसकी कल्टिवेशन के लिए हार्मफुल है इन ग्रीन पोर्ट्स ऑफ फ्रेंच बीन हैव पॉइंट फोर परसेंट प्रोटीन एंड द ड्राई सीड कंटेंट ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन परसेंट प्रोटीन जो हरी फलियाँ होती हैं उनमें लगभग सत्रह पॉइंट चार प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है और जो सूखे हुए बीज होते हैं या राजमा होते हैं उनके अंदर चौबीस पॉइंट नौ परसेंट प्रोटीन पाया जाता है एरिया एंड प्रोडक्शन फ्रेंच बीन वाइडली कल्टिवेटेड इन कर्नाटक आंध्र प्रदेश झारखंड एंड महाराष्ट्र जो बीन है इसकी जो कल्टिवेशन है अब तो आजकल तो नॉर्थ इंडिया में भी इसकी कुछ क्षेत्र में इसकी कल्टीवेशन होनी स्टार्ट हो गई है नहीं तो जो मेन कल्टीवेटेड एरिया है कर्नाटक है आंध्र प्रदेश है झारखंड है महाराष्ट्र है वहाँ इसकी कल्टीवेशन होती है अकॉर्डिंग टू एन एच बी डाटा बेस टू थाउजेंड एटीन टोटल बीन एरिया इन इंडिया इज़ टू टू एट थाउजेंड हेक्टर दो सौ अट्ठाईस थाउजेंड जहाँ हजार हेक्टर इसका जो क्षेत्र है कल्टीवेटेड एरिया है पूरे इंडिया के अंदर एंड प्रोडक्शन इज़ टू टू सेवन सेवन थाउजेंड मैट्रिक टन बाईस हजार सतर हजार मैट्रिक टन इसका प्रोडक्शन है वराइटीज पोल टाइप और बुश टाइप दो टाइप होते हैं जनरली पोल टाइप किसमें है इसकी कैंटू की वंडर, कैंटू की वंडर कई बार पूछी जाती है स्वीट ट्वीट वंडर, पुसा हिमलता ब्लू लैक लक्ष्मी जो हाइब्रिड वैरायटी है एस वी एम वन ये भी एफ वन हाइब्रिड वैरायटी है इसके अलावा बुश टाइप के अंदर कंटेंडर ये रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू एंड मोजेक पाउडरी मिल्ड्यू और मोजेक से प्रतिरोधी किस्म है इसके अलावा ज्ञान, स्ट्रिंगलेस पंत अनुपमा अर्का कोमल बाउंटीफुल ग्रीन रूलर गोल्डन रूलर रोमानो स्पार्टन एरो किंग ग्रीन प्रीमियर टॉप क्रॉस टॉप क्रॉस भी कई बार पूछी जाती किसकी है किसकी किस्म है सिलेक्शन टू पंत बीन टू अर्का सुविधा सुविधा ये भी पूछी गई है कई बार किस्म अर्का सुविधा किसकी किस्म किस्म है जंपा पूषा पार्वती ये एक म्यूटेंट किस्म है लास्ट वाली पूसा पार्वती म्यूटेंट किस्म है उत्परिवर्तन से तैयार किस्म है क्लाइमेट इट इज़ ए डे न्यूट्रल क्लोथ फ्रेंच बीन इज सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर एंड फॉरस्ट जो फ्रेंच बीन है या राजमा है ये डे न्यूट्रल फसल है मतलब इस पर दीप्ति कालिता का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता और ज़्यादा तापमान से भी और जो पाला होता है उससे दोनों से ही ये प्रभावित होने वाली फसल है मतलब पाला भी नहीं पड़ना चाहिए और ज़्यादा तापमान भी नहीं रहना चाहिए तीस डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट सिक्सटीन डिग्री टू ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस इज बेस्ट टू गेट ए हायर रील्ड इसकी जो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए लगभग सोलह से चौबीस डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तम रहता है एट ए हाई टेम्परेचर ऑफ थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ब्लॉसम ड्रॉप एंड ओव्यूल ओवोशन इज कॉमन इन फ्रेंच बीन मतलब अगर तापमान 30 से ज़्यादा चला जाता है ये कह लो फिर पैंतीस से डिग्री से ज़्यादा चला जाता है तो इसमें ओव्यूल ऑबर्शन हो जाता है ठीक है ओबेरिक जो भी उसमें विजाण बने होते हैं उनका ऑबोर्शन हो जाता है और फूल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं ये एक इसका फिजोलॉजिकल डिसडर भी कह सकते हो ठीक है? है जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पे स्टार्ट हो जाता है हाई रेनफॉल एट द टाइम ऑफ मानसून आल्सो रिड्यूस यील्ड अगर आ, फ्लो, आ, अगर मान मानसून के समय अधिक बरसात होती है तो इसकी जो उपज होती है वो कम हो जाती है क्योंकि पोलिनेशन की समस्या जो प्रॉब्लम है पोलिनेशन नहीं हो पाता ढंग से तो उपज में कमी आ जाती है सोयल फ्रेंच बीन कैन बी कल्टिवेटेड इन ऑल टाइप ऑफ सोयल फ्रॉम लाइट सैंडी टू हैवी क्लेस सोयल बीन की जो कल्टिवेशन है हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है लाइट सैंडी सोयल में भी फिर ये कह लो कि हैवी क्ले ऑयल तक इसकी कल्टीवेशन की जाती है किसी भी प्रकार की मिट्टी में कल्टीवेट किया जा सकता है द बेस्ट पी एच रेंज फॉर फ्रेंच बीन इज बिटवीन फाइव पॉइंट फाइव टू सिक्स पॉइंट जीरो जो फ्रेंच बीन की कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा पी एच रेंज है वो साढ़े पाँच से छ के आसपास होती है सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट सीड द सीड रेट ऑफ फ्रेंच बीन डिपेंड ऑन द वराइटी टाइप्स यानी कि फुश टाइप है जहाँ पोल टाइप है सोयल लोकेलिटी, या किस कंडीशन जहाँ कहाँ पे उगाई जा रही है द सीड रेट ऑफ बुश टाइप वराइटीज़ अबाउट 50 टू 70 के पर हेक्टर, जो बुश टाइप होती हैं छोटी होती हैं जहाँ कह लो कि जिनका पौधा ज़्यादा बढ़वार नहीं करता उनके लिए 50 से 70 किलो पर हेक्टर ज़्यादा रखी जाती है ये कह लो ठीक है पोल टाइप से 50 से 70 किलो बीज की आवश्यकता होती है एंड द सीड रेट फॉर पोल टाइप वराइटी शुड बी कीप्ड अबाउट 25 फाइव टू थर्टी के पर हेक्टर और जो पोल टाइप होती हैं मतलब जो ज्यादा ग्रोथ करती हैं बेल की तरह बढ़ती हैं उनके लिए कम रखी जाती है क्योंकि इनको ज़्यादा स्पेसिंग पे बोया जाता है तो बीज कम लगते हैं 25 से 30 के पर हेक्टर बिफोर सविंग सीड्स आर ट्रीटेड विद कैप्टन और थायरम टू ग्राम पर के जी सीड एंड आल्सो विथ राइजोमियम कल्चर जैसे कि बताया हुआ है कि ये लेग्यूम फसल है तो पहले तो इनके बीजों को कैप्टन या थायरम जो फंजी साइड है उनसे ट्रीट करके ट्रीट करना चाहिए उसके बाद इसे राइजोबियम कल्चर के अंदर राइजम का राइजोबियम का गुड़ के अंदर गोल बनाकर उसका बीज के ऊपर लगाना चाहिए ठीक है जिससे कि इसमें जो नोड्यूल्स जराइजोबियम इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है नोड्यूल्स के अंदर जड़ों के गांठों के अंदर वो अच्छी ग्रोथ कर सके सोइंग टाइम इन प्लेन सोविंग ऑफ सीड इज़ डन इन टू सीजन आ जुलाई टू सितंबर एंड जनवरी फरवरी जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे इसकी जो बुआई है दो सीजन के अंदर की जाती है पहली तो जुलाई से सितंबर के अंदर और फिर दूसरी बार जनवरी फरवरी के अंदर मतलब दो बार की जा सकती है ठीक है इन दिल्स द सोइंग इज डन फ्रॉम मार्च टू द बिगनिंग ऑफ मई और पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से लेकर मई की शुरुआत में इसकी बुआई की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर फील्ड प्रिपरेशन द फील्ड शुड बी प्लॉट थ्री टू टू फोर टाइम विद कल्टीवेटर टू मेक गुड सोयल टिल्थ जो फील्ड है उसको तीन से चार बार कल्टीवेटर से अच्छी जुताई की जाती है जिससे कि जो मिट्टी है उसकी जो टिल्थ है वो अच्छी बन सके उसके बाद उसमें क्यारियां तैयार कर ली जाती हैं सोइंग जनरली बुश टाइप सोइंग एट थर्टी इंटू फाइव सेंटीमीटर रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग मतलब जो बुश टाइप होती है या जो कह लो कि झाड़ी टाइप इसकी किस्में हैं उनकी जो बुआई है तीस इंटू पाँच सेंटीमीटर मतलब तीस लाइन से लाइन की दूरी और पाँच पौधे से पौधे की दूरी पे बोई जाती है एट दिस स्पेसिंग अबाउट टू पॉइंट फाइव लाख प्लांट प्लांटेड इन वन हैक्टर इस स्पेसिंग के ऊपर लगभग ढाई लाख पौधे लग जाते हैं एक हेक्टर के अंदर देख फोर पोल टाइप वराइटीज़ आर ऑफ्टन सोन इन हिल्स एट नाइन्टी इंटू सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर रो टू रो एट प्लान टू प्लांट स्पेसिंग और जबकि जो पोल uh, टाइप होती हैं लम्बी ग्रोथ करने वाली किस्में होती हैं उनकी बुआई नब्बे इंटू साढ़े सात सेंटीमीटर मतलब नब्बे जो है रो टू रो स्पेसिंग है और सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है वो प्लांट टू तो प्लांट स्पेसिंग के अनुसार बुआई की जाती है एट दिस स्पेसिंग अबाउट एटीन थाउजेंड प्लांट्स आर प्लांटेड इन वन हेक्टर लगभग अस्सी हजार पौधे इस दूरी पे लगभग लग जाते हैं पोल टाइप वराइटी के मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एट द टाइम ऑफ लास्ट प्लोविंग अबाउट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टन ऑफ एफ बाई एम इज विद मोयल लास्ट प्लोविंग के समय जब जो लास्ट जुताई कर रहे होते हैं खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम 20 से 25 टन गोबर की खाद को अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को सोयल में मिक्स कर दिया जाता है द रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन 40 के पर हेक्टर फास्फोरस 60 के पर हेक्टर एंड पोटाश 50 के पर हेक्टर एक और चीज़ ये कि जो uh, लेग्यूम फसलें होती हैं ये पोटाश और फास्फोरस का अच्छा रिस्पॉन्स देती है मतलब इनको इन फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है बजाय की दूसरी नाइट्रोजन जो है इसकी तुलना में क्योंकि नाइट्रोजन तो ये खुद ही फिक्स फिक्स कर लेती है क्योंकि इसमें नूडुल्स में बैक्टीरिया पाया जाता है और एटमोस्पेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है जड़ों के अंदर तो इसे नाइट्रोजन की कम ज़रूरत होती है इसको पोटाश और फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है ठीक है द रिकमेंडेड डोज जो इसकी नाइट्रोजन की वो 40 किलो पर हेक्टर डाली जाती है फास्फोरस 60 किलो पर हेक्टर और पोटाश 50 किलो और सारी की सारी जो भी डोज हैं ज्यादातर फील्ड परिप्रेशन या बुआई के समय डाल दी जाती हैं सोइंग से पहले समटाइम माइक्रोन्यूट्रेंट लाइक बी सी यू एम ओ जेड यानी कि बोरॉन कॉपर मोलिबेनम जिंक और मैग्नीशियम इज सीन इन सम फील्ड्स मतलब कुछ क्षेत्रों के अंदर माइक्रोन्यूट्रंट हैं उनकी डेफिशिएंसी शो होती है तो ऐसे केस के अंदर क्या कहता है जीरो पॉइंट वन परसेंट इनकी जो डोज है उसका फोलियर स्प्रे कर दिया जाता है अगर ऐसी कमी दिखाई देती है तो ठीक इरीगेशन फ्रेंच बीन रिक्वायर सिक्स टू सेवन इरीगेशन एट देयर एंटायर लाइफ साइकिल फ्रेंच बीन है उसे लगभग छः से सात सिंचाइयों की आवश्यकता होती है पूरे उसके जीवन काल के अंदर इट इज ए शैलो रूटेड क्रॉप सो ओवर इरीगेशन अवॉइडेड बट एट द टाइम ऑफ सोइंग फ्लोवरिंग फ्रूटिंग प्रॉपर सोयल मॉइस्चर आर नेसेसरी टू गेट ए गुड इल इसे वैसे तो ये शैलो रूटेड है ये कह लो कि ये उथली जड़ वाली फसल है जिसमें जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती इसलिए इसमें ज़्यादा सिंचाई करना मतलब पानी खेत में भर के देना ज़रूरी नहीं है नहीं दिया जाता परंतु जो सोइंग का टाइम है जब बुआई करते हैं या फिर जब फूल आ रहे होते हैं जब फलियाँ बन रही होती हैं उस टाइम इसे सिंचाई की जाती है मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए उस टाइम वीडिंग एट इनिशियल स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ अबाउट टू टू थ्री वीडिंग इज नेसेसरी टू कीप फील्ड वीड फ्री इनिशियल स्टेज जो होती है पौधे की जब वो पौधा बढ़भार कर रहा होता है सोइंग की है उसके बाद की जो कंडीशन स्टेज uh, रहती है उस टाइम दो से तीन निराई गुड़ाई की जाती है बिसाइड्स दैट प्री इमरजेंस वीडिसाइड्स लाइक एलाक्लोर 2.0 टू 2.5 केजी पर हेक्टर और पेंडी मेथालीन आल्सो इफेक्टिव टू कंट्रोल द बीड पॉपुलेशन प्री इमरजेंस मतलब बुआई पूरब जो हर्बिसाइड्स यूज़ किए जा सकते हैं मतलब बुआई जब अंकुरण पूर्व सॉरी अंकुरण से पूरब यूज़ किए जा सकते हैं एलाकलोर है या पेंडी मैथलिन है दो से ढाई किलो पर हेक्टर के हिसाब से इनको पहले डाल दिया जाता है फील्ड में ठीक है जो कि भीड़ को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं पीजीआर यूज़ ऑफ पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग तो पहला है पीसीपीए ये टू पीपीएम जो इसकी मात्रा है इंक्रीज फ्रूट सेट इन प्रिविलिंग टेम्परेचर ये कह लो कि अगर ज़्यादा तापमान रहता है तो उसमें भी ये फ्रूट सेट करता है होता है जैसे मैंने कहा था कि एक इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ब्लॉसम ड्रॉप का मतलब जैसे ही तापमान ज़्यादा होता है तीस डिग्री से तो इसमें फूल नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर पी का दो पी का अगर स्प्रे करते हैं तो जो फ्रूट सेट होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं मतलब फ्रूट सेटिंग स्टार्ट हो जाती है जी ए थ्री फिफ्टी पी पी एम थर्टी डेज आफ्टर सोविंग जैसे ही मतलब जिब्रेलिक एसिड है इसका पचास पी की मात्रा बुआई के तीस दिन बाद अगर इसकी स्प्रे करते हैं तो इंक्रीज ग्रोथ नंबर ऑफ लीव्स एंड पोट्स ये पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है मतलब उसका विकास ज़्यादा होगा वृद्धि ज़्यादा होगी संख्या जो पत्तियों की है वो भी ज़्यादा होगी और उसमें फलियाँ भी ज़्यादा लगेंगी इसके अलावा साइकोसेल सी 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 चार सौ पी पी एम बिफोर फ्लोवरिंग लगभग जो इसकी चार सौ पी पी एम की साइकोसेल की मात्रा है फ्लोवरिंग के टाइम का एलोजा जैसे ही फ्लोवरिंग स्टार्ट होनी उससे पहले स्टॉप ग्रोथ इंक्रीज फ्लोवरिंग एंड इंक्रीजेल पौधे की जो वृद्धि होती है उसको ये स्टॉप कर देता है रोक देता है जिससे क्या होता है कि फ्लोवरिंग ज्यादा होती है मतलब पुष्पन होना स्टार्ट हो जाता है पुष्प लगने स्टार्ट हो जाते हैं जिससे कि उपज बढ़ जाती है वैसे भी साइकोसेल एक ग्रोथ रिटार्डेंट है जो वृद्धि को कम करता है ठीक है रोकता है हार्वेस्टिंग द ग्रीन पोड आर रेडी टू हार्वेस्ट आफ्टर फोर्टी फाइव टू सेवेंटी फाइव डेज ऑफ सोइंग डिपेंडिंग ऑन द वराइटीज जो हरी फलियां हैं, उनकी यह हार्वेस्टिंग वैसे तो किस्म के अनुसार अलग अलग टाइम रहता है परंतु लगभग लगभग 45 से 75 दिन बाद बुआई के ये स्टार्ट हो जाती है इनकी प्लकिंग करना तुड़ाई करना ग्रीन पोर्ट्स फॉर द वेजिटेबल परपज शुड बी हार्वेस्टेड बिफोर द पोर्ट आर फुली ग्रोन एंड वाइल द सीड आर स्टिल स्मॉल और जो हरी फलियों के लिए तोड़ाई की जाती है उस टाइम करते हैं जब फलियां पूरी तरह से पहले तो विकास तो हो जाता है पर यह कह लो कि वो पूरी तरह से पकी हुई नहीं होनी चाहिए मतलब हार्ड नहीं हुई हुई होनी चाहिए नाजुक होनी चाहिए और उसमें जो बीज है अभी छोटे होने चाहिए स्मॉल होने चाहिए पिकिंग ऑफ पोड इज डन बाय हैंड और जो तोड़ाई करते हैं इसकी हाथ से ही की जाती है फलियों की तुड़ाई द ड्राई बीन्स आर हार्वेस्टेड वेन ए लार्ज परसेंटेज ऑफ पोर्ड्स टर्न येलो और जो इसके सूखे बीज के लिए अगर इसकी तुड़ाई की जाती है तो जब ज़्यादातर फलियाँ पीली पड़ जाती हैं तब की जाती है बिफोर स्टार्ट शैटरिंग शैटरिंग मतलब इसमें क्या होती है कि एक समस्या रहती है जैसे आपने लेग्यूम के अंदर मूंग के अंदर देखा हुआ होगा इसमें क्या होता है कि अन अनीव, इवन अनइवन राइपनिंग होती है मतलब एक जैसी राइपनिंग नहीं होती कुछ फलियां पक जाती हैं कुछ अभी कच्ची होती हैं और जो पकी हुई होती हैं सूख जाती हैं पहले और शटरिंग स्टार्ट हो जाती है मतलब वो खुलनी स्टार्ट हो जाती है और बीज वहीं पे फील्ड में बिखरने स्टार्ट हो जाते हैं तो इसमें भी यही शेटरिंग वाली समस्या रहती है तो इसमें क्या करते हैं कि जो पकी पकी फलियां होती हैं उनको प्लक कर लिया जाता है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है जब वो पक गई होती हैं और दूसरी को भी छोड़ दिया जाता है मतलब दो तीन बार उनकी तोड़ाई करते हैं इसके अंदर मतलब एक जैसी समान पकाई नहीं होती इसमें एक साथ नहीं पकती फसल तो टाइम लेके पकती है मोस्ट ऑफ द वराइटीज आर अन राइप अन इवनली मतलब इसमें भी राइपनिंग अनइवनली होती है एक जैसी नहीं होती उपज इल्ड द यील्ड ऑफ ग्रीन पोड फ्रॉम बुश टाइप अराउंड 30 टू 40 केजी पर हेक्टर जो बुश टाइप होती हैं, झाड़ी वाली किस्में हैं उनके अंदर जो हरी फली की उपज रहती है लगभग 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टर तक रहती है एंड द फ्रॉम द पोल टाइप इट इज 60 टू 150 क्विंटल पर हेक्टर और जो पोल टाइप होती हैं उनसे लगभग 60 से 150 क्विंटल पर हेक्टर तक उपज मिल जाती है द एवरेज इल्ड ऑफ ड्राई बीन्स अबाउट 12 टू 18 क्विंटल पर हेक्टर और जो सूखे हुए बीज की उपज है वो तो पहले वाली थी जो 30 से 40 और 60 से 150 सौ ग्रीन फलियों की है बुश टाइप से और पोल टाइप से और जो बीज है सूखे हुए बीज है वो लगभग 12 से 18 क्विंटल पर हेक्टर मिलते हैं जिसको आप राजमा कहते हैं पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट इन फ्रेंच बीन फर्स्ट डिजीज है एंथेक्नोज कोलेटोट्राइकम लिडेमुथेनम द अर्ली इंडिकेशन ऑफ द कंटामिनेशन आर द प्रजेंस ऑफ ब्लॉक रेड टू परपलिश रेड स्टेन्स अलॉन्ग दाइन ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द लिवस इसमें शो क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं उसकी जो निचली स्तः होती है वहां पे रेड से पर्पलिश रेड कलर के डब्बे छोटे शोट छोटे स्पोर्ट दिखाई देने लग जाते हैं और जो तना होता है उसके ऊपर भी इंजरी शो होती हैं ओवेल ठीक है ओवेल अंडे अंडे के आकार की और जो बाद में बड़ी हो जाती हैं बढ़ने लग जाती हैं और कैंकरस हो जाती हैं मतलब अंदर से वो कैंकरस जैसे कोई कैंकर होता है थोड़ी उभरी हुई स्ट्रक्चर वैसे ही बन जाती हैं जो पत्तियों के ऊपर दब्बे होते हैं अगर वो भी साइज में बढ़ते हैं और उनके ऊपर एसर या एक तरीके की कह लो कि फंगस की ग्रोथ डार्क कलर की फंगस की ग्रोथ उसके मिडल के अंदर उस डब्बे के अंदर दिखाई देती है और जो कि डंप कंडीशन के अंदर कह लो जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है जब अगर वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी है और बीमारी ये हुई है तो उस टाइम उसमें से पिंकिश कलर के स्पोर बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं जैसे कोई उसमें से लेटेक्स निकल रहा हो बाहर कोई चीज ठीक वैसा शो होता है तो इसका कंट्रोल है यूज हेल्दी सीड्स मतलब स्वस्थ बीजों को यूज करना चाहिए उगाने के लिए फॉलो क्लीन कल्टीवेशन फसल ये कह लो स्वच्छ फसल ये कह लो फसल उगानी चाहिए वीड फ्री उगानी चाहिए अवॉइड ओवरहेड इरिगेशन ऊपर से पानी नहीं डालना चाहिए मतलब ओवरहेड से मतलब है कि जो अपने पर्नियाँ छिड़काव करते हैं जैसे न, स्प्रिंकलर सिस्टम है ऐसे सिस्टम से सिंचाई नहीं करनी चाहिए फ्रेंच बीन के केस में सीड शुड बी ट्रीटेड विथ कैप्टॉन और थायरम टू ग्राम पर के जी सीड बिफोर सोइंग और बुआई से पूर्व कैप्टान और थायरम से बीज उपचारित करके बोने चाहिए इसके अलावा टू कंट्रोल डिजीज स्प्रे विद कॉपर फंजिसाइड्स लाइक डाइथेन जेड सेवेंटी एट बैनलेट कोई भी कॉपर फंजी साइड है उसका स्प्रे करना चाहिए अगर बीमारी खेत के अंदर दिखाई देती है तो कंट्रोल है पाउडरी सॉरी, दूसरी बीमारी है पाउडरी मिले पोलिगोनी इसके अंदर होता क्या है कि जो पूरा का पूरा पौधा होता है उसके जो भाग होते हैं एरियल पार्ट होते हैं वहां पे पाउडरी मास शो होने लग जाती है पाउडर जैसी पूरे के पूरे पौधे पे शो होता है जैसे कोई पाउडर डाला हुआ हो वाइट कलर का और अगर ज़्यादा अटैक होता है तो पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है कंट्रोल है इसका सल्फर डस्ट एंड कैराथेन सल्फर डस्ट जहाँ कैराथेन का उसके ऊपर बुरकाव करना चाहिए थर्ड इसमें डिजीज होती है ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलेनी के कारण होती है इसमें जो इनिशियल सिम्टम्स हैं एक डैम्पिंग ऑफ जैसे शो होते हैं जैसे सीलिंग स्टेज के अंदर शो होते हैं तो डैम्पिंग ऑफ जैसे कि पत्ता जो पौधा होता है सीलिंग होती है वो जमीन पे तना गल जाता और जमीन पर जा, गिर जाती है सेम इसमें भी सिम्टम शो होते हैं और लेटर कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ऑबलोंग वाटर सॉक्ट एंड रेडिश ब्राउन अपर ऑन द स्टेम एंड लीव्स इसमें क्या होता है कि लेटर स्टेज के अंदर जहां कह लो कि जब पौधा बड़ा होता है उसके ऊपर कैसे सिम्टम शो होते हैं उसमें ऑबलोंग और जल आसक्त रेडिश ब्राउन कलर के दब्बे दिखाई देते हैं तने के ऊपर और पत्तियों के ऊपर फोटोसिंथे एक्टिविटी कह लो जो रुक जाती है इसका कंट्रोल है कार्बन डाइजाइम टू ग्राम पर के जी सीड बुआई से पूरा बीजों को बीजोपचारित बीजोपचार करके ही बोना चाहिए थारम जहां कैप्टॉन कैप या कार्बेंडाजाइम से इसके अलावा स्प्रे कार्बेंडाजाइम जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट ऑन द अफेक्टेड क्रॉप प्रभावित फसल के ऊपर कार्बेंडाजाइम का स्प्रे करना चाहिए इसके अलावा कीप विल्ड कीप फील्ड बीड फ्री जो खेत है उसे बीड फ्री रखना चाहिए फोर्थ इसमें जो डिजीज है एंगुलर लिप स्पोट इससे ग्रीसियोला इसमें रेडिश ब्राउन एंगुलर स्पोर्ट्स आर सीन द सरफेस ऑफ द लीव्स पत्ती की जो निचली स्तर होती है वहां पे रेडिश ब्राउन कलर के एंगुलर कल, कह है धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं स्पोर्ट दिखाई देने जा, लग जाते हैं द लेटर स्टेज द स्प्रेड ऑन द पोर्ट्स एंड अदर प्लांट पार्ट दूसरी कन, जब स्टेज आती है तो क्या होता है कि पत्तियों पे भी और पौधे के सॉरी फलियों पे भी और पौधे के अन्य भागों पे भी दिखाई देने लग जाते हैं वेन देयर इज मोर आउटब्रेक जब इनका बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है द लीफ फॉल और पत्तियां झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं कंट्रोल है इसका फॉलो क्रॉप रोटेशन स्प्रे कार्बेंडाजाइम जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट ऑन द अफेक्टेड क्रॉप एक तो फसल चक्कर अपनाना चाहिए तीन चक तीन साल वाला फसल चक्कर बनाना चाहिए इसके अलावा कार्बेंडाजाइम का जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट का सब जो स्प्रे रहता है फोलियर स्प्रे रहता है वो भी काफी इफेक्टिव है फिर है पेस्ट मैनेजमेंट फर्स्ट है स्टेम फ्लाई ओफियोमाइसी फैसियोली, बीन्स के अंदर ये सबसे प्रमुख कीट है सीरियस की, कीट है दिस इज ए सीरियस इंसेक्ट ऑफ बीन्स कॉज 80 टू 90 परसेंट लोसेस टू क्रॉप कई बार पूछा जाता है कि जो स्टेम फ्लाई है बीन्स के अंदर कितना नुकसान करती है तो लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक ये फसल को नुकसान करती है जैसे ही इस सीड सीडलिंग जर्मिनेशन होता है बीज का उसके बाद जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर इसकी एडल्ट होती है वो अंडे दे जाती है और वहाँ से एक लार्वा निकलता है जो पौधे के सारे भागों को खाकर नुकसान पहुँचाता है मतलब उसकी पत्तियों को भी खा खाता है तने को भी खाता है ठीक है उसको खाकर वो नुकसान पहुंचाता है कंट्रोल है वेन इंसेक्टॉ स्प्रे विद मोनोक्रोटोफोस डाइमेथोट ऑक्सीमेथाइल डेमेटोन जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट जैसे ये इंसेक्ट दिखाई दे मोनोक्रोटोफोस का जहां डायमेथोएट का जहां ऑक्सीमेथाइल डेमेटोन का जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट का स्प्रे करना चाहिए इसके अलावा नीम एक्सट्रैक्ट का पांच प्रतिशत का स्प्रे भी प्रभावी पाया जाता है सेकेंड इंसेक्ट है जैसिड पेस्ट शो स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक हॉपर बर्न कभी-कभी लगता है कि फसल पे हॉपर का अटैक हुआ है तो हॉपर बर्न जैसे सिम्टम शो करता है कि पत्तियों के जो मार्जिन होते हैं वो वहां से जल जाते हैं ठीक इन फैटल अटैक द इंसेक्ट द मार्जिन ऑफ द बिकम येलो एंड द लीव्स बिकम वेवी और जो पत्तियों के मार्जिन होते हैं वो येलो पड़ जाते हैं और पत्तियां बेबी लो जहाँ सलवटें पड़ जाती हैं पत्तियों के अंदर कंट्रोल है स्प्रे करो विद फॉस्फोमिडोन और ऑक्सीमेथाइल डेमेटोन जीरो पॉइंट जीरो, जीरो फाइव परसेंट ठीक है फोस्फोमिडोन जहां ऑक्सीमेथाइल डेमेटोन का जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट का स्प्रे करना है नेक्स्ट इंसेक्ट है एफिड एफिस क्रोसीबोरा एफिड शक्त द सेप फ्रॉम द टेंडर पार्ट ऑफ द प्लांट ये कह लो कि जो एफिड होता है पत्तियों के कोमल बाघों से रस चूस कर उसको नुकसान पहुंचाता है ठीक है कंट्रोल है इसका टू कंट्रोल एफिड स्प्रे द फॉस्पोमीडॉन जीरो पॉइंट सॉरी जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑन द क्रोप और इसका जो इसके कंट्रोल के लिए फॉस्पोमीडॉन का पॉइंट फाइव परसेंट का स्प्रे प्रभावी पाया जाता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फर्स्ट है ब्लॉसम ड्रॉप्स ब्लॉसम ड्रॉप्स इज कॉमन प्रॉब्लम इन फ्रेंच बीन. दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय हाई टेम्परेचर वेन द टेम्परेचर गोज अबब थर्टी डिग्री सेल्सियस द फ्लोवर और इमेचोर फ्लोवर बर्ड्स बिगन टू फॉल इसमें होता क्या है कि जैसे ही तापमान तीस डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाता है इसमें ओबोशन हो जाता है ठीक जिससे कि फूल नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं कड़ियाँ नीचे गिरने स्टार्ट हो जाती हैं फूल जड़ना स्टार्ट हो जाते हैं जिसको ब्लॉसम ड्रॉप कहते हैं इसका कंट्रोल क्या है कि एक तो जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकें ऐसी किस्मों की बुआई करनी चाहिए दूसरा है पी का जो ग्रोथ रेगुलेटर है उसका स्प्रे भी लाभदायक पाया गया है दूसरा है हाइपोकोटाइल क्रैकिंग जिसको नेक्रोसिस भी कह देते हैं ज़्यादातर होता किसके कारण है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण होता है और हाइपोकोटाइल टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है इनके कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण हाइपोकोटाइल टिश्यूज़ क्या होते हैं ये आप इस साइड इमेज के अंदर देख सकते हो कि जो बीज से निकल के जो पहले पहले मोटे लैदरी पत्ते होते हैं जैसे ही बीज से पौधा निकलता है अंकुरण होता है उसका तो उसे कोटिलैडोन कहते हैं ठीक है जो भी मोटे पत्ते रहते हैं उसके बाद लीफ निकलती हैं और नीचे जो एक रेडिकल होता है मूलांकुर शायद बोलते हैं हिंदी में ठीक ठीक है उससे जड़ का विकास होता है और जो इन दोनों के बीच का तना कह लो या पार्ट रहता है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है ठीक है इसके अंदर क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है मैग कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण या फिर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण और कई बार ये पौधों के अंदर बाद की कंडीशन में भी दिखाई देते हैं और उस टाइम पौधा पीले पीला हो जाता है फलियों फलीओ, फलियाँ बनना बंद हो जाता है मतलब फलियों के अंदर बीज ढंग से नहीं बनते और बहुत से कई चीजें होती हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम डेफिशिय के कारण थर्ड है ट्रांसवर्स कोटील क्रैकिंग जो वाइट सीडेड वैरायटी होती हैं वो इस डिसऑर्डर से ज्यादा प्रभावित होती हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है इट इज मोर देन ड्राई सीड्स आर प्लांटेड इन वेट सोयल यह ज़्यादा होता है जब सूखे बीज को ज़्यादा मॉइस्चर वाली मिट्टी के अंदर बोआई की जाती है मतलब सूखे बीज जिसमें मॉइस्चर 12 परसेंट से कम हो उसको वराइटीज हैविंग हार्ड सीड कोट आर लेस प्रोन टू दिस डिसऑर्डर जो ऐस बीमारियां हैं सॉरी जो वराइटीज हैविंग हार्ड सीड कोट जिनके अंदर आ, हार्ड सीड कोट पाया जाता है हार्ड कवर पाया जाता है वो इस बीमारी जहाँ डिसऑर्डर से कम प्रभावित होती हैं एट द टाइम ऑफ सोइंग सीड्स हैविंग मोर देन 12 परसेंट मॉइस्चर फॉर बेटर और गुड जर्मिनेशन जो बुआई के समय बीज के अंदर लगभग 12 प्रतिशत मॉइस्चर होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए तो अच्छा जर्मिनेशन होता है अगर मॉइस्चर कम रहता है बारह से तो ट्रांसवर्स कोटिलेडोन क्रैकिंग बीज के अंदर शुरू हो जाती है मतलब जो उसका कोटिलेडोन होता है वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है फटना स्टार्ट हो जाता है ठीक थैंक यू